नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इन वीडियो श्रृंखला में हम भारतीय संविधान देख रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ, जिसके अंतर्गत हमने पहली यूनिट, पांच इकाई हैं, पांच यूनिट्स में से पहली यूनिट हमने इसमें ली है। फर्स्ट यूनिट में जो केंद्र राज्य संबंध हैं, उन केंद्र राज्य संबंधों को हमने लिया है। केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत हमने देखे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, और अब देख रहे हैं हम और केंद्र राज्य के मध्य क्या क्या तनाव रहे उनको भी हमने देखा। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य क्या क्या तनाव रहे, उनके समाधान क्या क्या हैं इनको देखा है ना, तनाव के कारण और समाधान को हमने पिछले वीडियोस में देखा। आज हम देखेंगे सहकारी संघवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहकारी संघवाद, ठीक है। जो शुरू की दो पीपीटी हैं वो पिछले टॉपिक की हैं, है ना। तो आज के टॉपिक की जो पीपीटी स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ से होंगी। सॉरी, सहकारी संघवाद में सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। भूमिका में देखेंगे कि सहकारी संघवाद से आशय क्या है। इसके बाद सहकारी संघवाद की जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, वित्त आयोग, ये सब क्या है, सहकारी संघवाद की संस्थाएं। सहकारी संघवाद की समस्याएं क्या क्या हैं, तो वही बात है, केंद्र की मजबूत स्थिति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल, वित्तीय निर्भरता, नवीन संस्थाएं, असमान क्षेत्रीय विकास, मतलब जो हमने देखा था केंद्र राज्य के मध्य तनाव के जो मुद्दे थे वही हम कह सकते हैं सहकारी संघवाद की समस्याएं, ठीक है। फिर समाधान पर, ये तो हमारी फ्रेमिंग है कि हम ये चीज़ें सहकारी संघवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे। सहकारी संघवाद होता क्या है, तो सहकारी संघवाद से आशय होता है कि जब केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, बिना किसी विवाद के जब एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं तो इसे कहा जाता है सहकारी संघवाद। राज्यों के द्वारा केंद्र की योजनाओं को बढ़ चढ़ कर अपने यहाँ लागू किया जाता है। केंद्र के द्वारा योजना बनाते समय या योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय राज्यों से सलाह परामर्श ली जाती है। कुल मिला के एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन के ये कार्य करते हैं, इसी को कहा जाता है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने वाली संस्थाएं भी हैं। कारण क्या हुआ, आपकी भूमंडलीकरण के कारण नई चुनौतियां उभर कर आई, असमान क्षेत्रीय विकास हुआ, साथ ही जो गठबंधन की राजनीति है इसके कारण भी सहकारी संघवाद में विवाद उत्पन्न होने लगे। भाई जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दलों की स्थिति उभर कर सामने आई, तो जो भी क्षेत्रीय दल केंद्र में सत्ताधारी दल को सहयोग देता था या दे रहा है तो वो अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट सेंक्शन करा लेता है, अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उसको मिल जाती है, तो दूसरे राज्य जो के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो ये सब सहकारी संघवाद के सामने नई चुनौतियाँ उभर कर सामने आई, तो इन चुनौतियों के समाधान के लिए सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए कुछ संस्थाएँ बनाई गई हैं कि केंद्र और राज्य में अगर विवाद हो तो उन विवादों को निपटाया जा सके। तो इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ऐसी कुछ संस्थाओं का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। फिर देखेंगे सहकारी संघवाद की समस्याएं क्या हैं और फिर देखेंगे उनका समाधान, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सहकारी संघवाद होता क्या है, तो सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र व राज्य एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और एक दूसरे के हितों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। केंद्र सरकार
कि जो योजनाएं हैं प्रांत उनको बढ़ चढ़कर अपने यहाँ लागू करते हैं तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देते हैं। समस्या कब उत्पन्न हुई, तो 90 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण और गठबंधन की जो राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन की राजनीति यानी जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है, कई दल क्षेत्रीय दलों के सहयोग से या किसी उससे जो सरकार बनाते हैं तो उसे कहा जाता है गठबंधन की राजनीति। तो गठबंधन की राजनीति के कारण केंद्र राज्य संबंधों में नई चुनौतियां उभर कर आई, जिस कारण आज सहकारी संघवाद की आवश्यकता और ज्यादा महसूस की जाने लगी और सहकारी संघवाद की जो संस्थाओं को मजबूत बनाकर ही इन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भूमिका। अब जो सहकारी संघवाद की जो संस्थाएं हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे कि ये होती क्या है, ठीक है, इनका कार्य कैसे करती हैं, जो जितनी भी संस्थाएं हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे चुनौतियां, फिर देखेंगे समाधान। ठीक है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली सबसे पहली जो संस्था है वो अंतर्राज्यीय परिषद। ये एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया। 1990 में इसका गठन पहली बार हुआ और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष होता है ना, मतलब इसके लिए कोई इलेक्शन वगैरह अलग से नहीं होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष हो गया और सभी राज्यों के जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री हैं वो इसके क्या हो गए, सदस्य हो गए। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र राज्यों के बीच और राज्यों के आपसी विवादों को, मतलब केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो या राज्यों के मध्य कोई आपसी विवाद हो तो इन आपसी विवादों का समाधान करना, ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे साहब कि केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो वो भी अंतर्राज्यीय परिषद में उसका समाधान किया जाता है। राज्यों राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान भी अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अगला जो संगठन है नीति आयोग, पहले इसे क्या कहा जाता था, योजना आयोग कहा जाता था, अब ये क्या कहलाता है, नीति आयोग कहलाता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ क्षेत्रों के प्रशासक, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, है ना, वो कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में, तो जितने भी राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्री, वो जो संघ क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, उनके जो प्रशासक हैं वो इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। संगठनिक सदस्य भी होते हैं इसमें, मतलब इनके अलावा एक उपाध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 3 केंद्रीय मंत्री होते हैं और 1 प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, ये इसके संगठनिक सदस्य हैं, संगठन पर संगठन में कार्य करने वाले सदस्य संगठनिक सदस्य कहलाते हैं। इसके गठन का उद्देश्य क्या है, तो संवैधानिक ढांचे को मजबूत करना और इसके द्वारा प्रयास ये किया जाता है कि योजनाओं में जो स्थानीय मुद्दे हैं राज्यों के द्वारा पहल की जाए और योजना में स्थानीय मामलों का अधिक अधिक शामिल किया जाए, यानी जो भी योजना बने, जैसे कि नाम से स्पष्ट नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, यानी जब भी प्लानिंग की जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों को अधिक से अधिक उसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए, स्थानीय मुद्दों को अधिक से अधिक वरीयता दी जाए। क्योंकि इसके गठन के पीछे उद्देश्य ये था कि भाई जब भी योजना बनती है तो अगर हम राज्यों को उसमें शामिल नहीं करेंगे तो हमें राज्यों में वास्तव में क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है,
उन सभी चीज़ों का हमें वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर उन चीज़ों का ज्ञान लेना है, उन समस्याओं को जानना है, तो उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों का उसका सदस्य होना जरूरी है। तो स्थानीय मुद्दों को अधिक अधिक रूप से सम्मिलित करने के लिए नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। इसके पहले योजना आयोग कार्य करता था। अच्छा, ये संवैधानिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि भाई इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक। अगली है क्षेत्रीय परिषद। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। इसका जो प्रमुख होता है वो भारत का गृह मंत्री होता है, संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री और उस राज्य के 2 मंत्री इसके क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। 5 क्षेत्र, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो है ही, ठीक, और एक मध्य क्षेत्र, ठीक है। तो 4 ऐसे याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं वाले, और 5वां जो है वो मध्य वाला क्षेत्र है। तो 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है और 2 मंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। गठन का उद्देश्य वही है, क्षेत्रीय विवादों को निपटाना। जो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद चल रहे हैं, राज्य केंद्र के मध्य अगर कोई विवाद है तो उनको निपटाना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जो आपस में क्षेत्रीय सहयोग है, कई बार क्या होता है किसी परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है, जैसे कि कई विवाद राज्यों में आपस में चलते रहते हैं, तो इन विवादों को निपटाने के लिए इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, है ना, पूर्व क्षेत्रीय पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया है। अगला है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ये राज्यों के मध्य विवाद का सबसे प्रमुख कारण नदी जल विवाद है। नदियों का जो हम बात करें बहाव है, वो किसी एक राज्य तक तो सीमित नहीं रहता है, कई नदियां एक से अधिक राज्यों में बहती हैं। तो उनके जल का कैसे उपयोग किया जाए, कौन राज्य कितने जल का उपयोग करे, कौन राज्य कहाँ कहाँ उस पर बांध बनाए, तो ये विवाद हमेशा से बना रहा है। 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार किसी राज्य द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में, है ना, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में शिकायत किए जाने पर संसद उसका समाधान करने हेतु उससे संबंधित नदी जल प्राधिकरण का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, है ना। तो नदी जल प्राधिकरण का गठन कौन करती है, संसद करती है, ठीक है। प्राधिकरण में 3 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज होते हैं। जो भी जज जिन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से, वो जज इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य वही है, नदी जल के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करना है। तो अभी जैसे हम बात करें नर्मदा या चंबल नदी जल विवाद, नर्मदा घाटी नदी जल विवाद, ये जो आपके मध्य प्रदेश गुजरात के मध्य रहे, मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य रहे, तो ऐसे जो विवाद होते हैं उनका निपटारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण। फिर है सहकारी संघवाद के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई केंद्र राज्य के मध्य जो विवाद के विषय हैं, है, वही विषय कहीं ना कहीं किसके मध्य पे हैं, वही विषय सहकारी संघवाद के सामने चुनौतियां हैं, ठीक है। कैसे चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के रूप में अगर हम बात करें,
तो सबसे पहली चुनौती केंद्र की मजबूत स्थिति। केंद्र की मजबूत स्थिति के कारण क्या होता है? केंद्र की मजबूत स्थिति के कारण ये हमेशा राज्य इस बात का शिकायत करते रहते हैं कि भाई देखिए प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए या विधायी स्तर पर बात की जाए या फिर वित्तीय स्तर पर बात की जाए तो केंद्र की स्थिति क्या है, ज़्यादा मजबूत है। जैसा कि हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध देखे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देखे, है ना। तो जब हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक वित्तीय विधायी संबंध देखे तो हमने देखा कि केंद्र की स्थिति हर जगह क्या है, मजबूत है। केंद्र की स्थिति मजबूत होने के कारण कई बार क्या होता है, राज्य के हितों की उपेक्षा होती है। तो राज्य के हितों की उपेक्षा होती है तो ये अपने आप में विवाद का क्या बन जाता है, एक कारण बन जाता है ना, ये अपने आप में विवाद का कारण बन जाता है। तो हमेशा से राज्य ये शिकायत करते रहे कि भाई केंद्र की जो स्थिति है वो मजबूत है और केंद्र की मजबूत स्थिति के कारण सहकारी संघवाद पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, सहकारी संघवाद की स्थापना नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा जो समस्याएं हैं, चुनौती हैं, वो है अखिल भारतीय सेवाएं। जैसा कि मैंने बताया था केंद्र राज्य के विवाद के मध्य का सबसे प्रमुख कारण अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन कौन सी? IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेस। अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति और प्रशिक्षण देने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, कार्य ये राज्य सरकार के नियंत्रण में करते हैं, फिर भी अंतिम नियंत्रण किसका रहता है इन पर, अंतिम रूप से नियंत्रण इन पर किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। तो केंद्र सरकार का अंतिम नियंत्रण रहने के कारण राज्य हमेशा से शिकायत करते हैं कि साहब ये जो संगठन हैं आपके, ये संगठन केंद्र के हितों के लिए कार्य करते हैं, राज्य के हितों के लिए कार्य नहीं करते जो अधिकारी हैं, और हमें इन पर नियंत्रण की क्या दी जाए, शक्ति दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस बात से सहमत नहीं होती है, केंद्र सरकार कहती नहीं साहब अखिल भारतीय सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण तो केंद्र का ही रहेगा, आपको तात्कालिक नियंत्रण दिया गया है, आप उनका स्थानांतरण कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं उनकी, पर अंतिम नियंत्रण किसका है, वो केंद्र का ही रहेगा। तो ये सेवाएं हमेशा से क्या रही हैं, विवाद का विषय रही है, सहकारी संघवाद के सामने चुनौतियाँ। तीसरी जो समस्या है, चुनौती है, वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है इस नाते राज्य की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यपाल पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, राज्य में चाहे राष्ट्रपति शासन लगाना हो या राज्य की निर्वाचित सरकारों को गिरवाना हो या राज्य के विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करना हो, ये सारे आरोप राज्यपाल पर प्रारंभ से ही स्वतंत्रता से लेकर अभी तक लगते रहे हैं। राज्य सरकारें हमेशा ये आरोप लगाती रहीं कि भैया जो राज्यपाल का पद है ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में एक प्रकार से कार्य करता है, मतलब ये राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में कार्य नहीं करता, ये कैसे कार्य कर रहा है, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये हमेशा से विवाद का विषय बना रहा है। आगे मैं बात करूं तो राज्य की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, ये भी सहकारी संघवाद के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि भाई जो राज्य हैं वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जितने भी राजस्व के जो प्रमुख स्रोत हैं वो किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास है। वो केंद्र सरकार के पास राजस्व के स्रोत होने से राज्य सरकारें क्या है उन पर निर्भर हो जाती हैं, और केंद्र फिर वित्त को बांटते समय
क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई गठबंधन की राजनीति में जो भी क्षेत्रीय दल उनको सहयोग दे रहा होता है उन राज्यों को तो वित्त आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर कहीं राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है और केंद्र में दूसरे दल की सरकार है तब समस्या उत्पन्न होती है। तो चुनौती आती है कि साहब कैसे किया जाए, है ना। तो ये वित्तीय जो निर्भरता है ये कहीं ना कहीं विवाद का कार्य करती है। अगली जो समस्या चुनौती है, तो अगली समस्या चुनौती है नवीन संस्थाएं, जैसे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या है, नवीन जो संस्थाएं हैं, ये केंद्रीय पुलिस बल जो है ये कहीं ना कहीं राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। राज्यों के ना, ये साहब पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। वो जो नवीन संस्थाएं आप गठित करते जा रहे हैं, तो नवीन संस्थाएं क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल गिराती हैं। तो ये भी सहकारी संघवाद के सामने चुनौती है। कहीं ना कहीं जो केंद्र पर राज्यों का ट्रस्ट जो डेवलप नहीं हो पा रहा है उसके पीछे संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं। अगला है असमान क्षेत्रीय विकास। भूमंडलीकरण के कारण जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था वहां पर तो अच्छा निवेश अर्जित हुआ, विदेशों से अच्छा निवेश आने के कारण वो राज्य डेवलप हो गए, तो कुछ राज्य डेवलप नहीं हो पाए। कुछ राज्यों में खनिज संसाधन बहुतायत हैं तो वो भी डेवलप हो गए, वहाँ पर उद्योग धंधे हैं। कुछ राज्यों में खनिज संसाधन नहीं है तो ये भी एक समस्या हो गई। तो ये असमान क्षेत्रीय विकास होने के कारण भी सहकारी संघवाद के सामने चुनौती है ये, क्योंकि फिर जो योजनाएं हैं वो सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। कुछ राज्य पे इनका विरोध करने लग जाते हैं। जैसे आप देखें, जब GST लाया गया तो कुछ राज्यों ने विरोध किया, कुछ राज्यों ने स्वीकार कर लिया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो विरोध है, ये जो कहीं ना कहीं मतभेद है, तो इसके पीछे ये सारे मुद्दे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे साहब इसका समाधान या निराकरण क्या है। तो समाधान यही है कि राज्यों को भी शक्ति संपन्न बनाया जाए। जो राज्य हैं उनको क्या बनाया जाए, शक्ति संपन्न बनाया जाए। जो पूरी शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं उनमें से कुछ शक्तियां राज्यों को भी दी जाए। तो राज्यों को अगर शक्ति संपन्न बनाएंगे तो जो सहकारी संघवाद है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं मजबूत होगा। अगला है सहकारी संघवाद संस्थाओं को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। यानी जो हमने सहकारी संघवाद की संस्थाएं देखी, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग, है ना। अच्छा, वित्त आयोग मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया कि पिछले वीडियो में हम वित्त आयोग को डिटेल में देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, इसलिए इसमें नहीं। तो अगर आप वित्त आयोग देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में चले जाएं, इसके जस्ट पहले का वीडियो जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में, उसमें हम इसको देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो हम समाधान यहाँ देख रहे थे। अगला है केंद्र राज्य की अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए। अगला है राष्ट्र के विकास और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को वरीयता दी जाए। मतलब ना तो केंद्र अपने हितों को महत्व दे ना राज्य अपने हितों को महत्व दे, दोनों ही राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ाने को महत्व दे, है ना। यानी दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर कार्य किया जाए, राष्ट्र हित में कार्य किया जाए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, तो भी सहकारी संघवाद की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, अगला जो सुझाव है साहब, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का उचित वितरण किया जाए। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का उचित वितरण किया जाए। केंद्र द्वारा गठित राज्य की संस्थाओं हेतु राज्य को उन पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाए, है ना। जो NIA वगैरह जैसी संस्थाएं अगर आप गठित कर रहे हैं तो उन पर राज्यों को भी नियंत्रण का अधिकार दिया जाए। राज्यों का उन पर नियंत्रण होगा तो विवाद नहीं बनेगा। तो ये आज के हमारे सहकारी संघवाद टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो
जो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही कमेंट्स करें, ठीक है। अनावश्यक चीज़ों का कमेंट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। क्योंकि एक जो आईटी लॉ होता है, पहले आप उसको अच्छे से जान लें। कमेंट करते समय मेरे पिछले वीडियो में एक नालायक व्यक्ति के द्वारा नकारात्मक कमेंट किया गया था। मैं चाहता तो लाइव चैट में, चूंकि मैं उस समय था नहीं, बाद में मुझे छात्रों ने बताया, तो ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है। क्योंकि ये कानूनी रूप से और नैतिक रूप से और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन, सहकारी संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि सहकारी संघवाद की जो संस्थाएं हैं उनका वर्णन करें, सहकारी संघवाद की संस्थाओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, सहकारी संघवाद को स्पष्ट करते हुए उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका उल्लेख करें। पांचवा, चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी संघवाद को स्पष्ट करते हुए इसे और अधिक मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उनका उल्लेख करें। तो ये चार प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें बन सकते हैं, है ना। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। अगर कोई डाउट्स आता है, समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहीं पर मैं इसका समाधान कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था सहकारी संघवाद। इसके बाद अगले टॉपिक में इसी से संबंधित लास्ट टॉपिक लाऊंगा, तो उसमें अपना केंद्र राज्य संबंध क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। तो केंद्र राज्य संबंधों का कल अगले वीडियो में, मतलब लास्ट टॉपिक है, तो जो आपकी पहली इकाई है उस इकाई का एक पार्ट अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।